आइए और जानकारी लेते हैं कि जो ये जो महिला अध्यापक हैं इनकी क्या परेशानियां, किन परेशानियों को लेकर जंतर मंतर आए। मैडम आपका नाम? मेरा नाम जगरानी है, मैं जिला बरेली से आई हूँ और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में हम 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं, उसमें 50% महिलाएं हैं। आज ये 50% महिला अगर बेरोजगार होती हैं तो इनका परिवार कहाँ जाएगा, क्या तरक्की करेगा, क्या पाएगा, पहले मैं ये बात पूछना चाहती हूँ। और हम शिक्षा मित्र 1,72,000 जो थे वो हम अध्यापक पद का मान दे पा रहे थे, वेतन पूरा पा रहे थे और आज वो वेतन हम लोगों के लिए 10,000 रुपये कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ अगर मैं 40,000 पाऊंगी तो वही काम मैं स्कूल में करने जाऊंगी और वही मैं 10,000 पढ़ाने जाऊंगी, करने जाऊंगी 10,000 मानदेय के लिए, तो वही काम मैं पढ़ाने के लिए वही काम करने जाऊंगी। तो मैं 40,000 पाती हूँ तो अयोग्य हूँ और 10,000 पाती हूँ तो मैं योग्य हूँ, क्या इसका क्या मायने है? हमारा किसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे साथ या हमारी जनता के साथ या हमारे बच्चों के साथ जो मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ उनके साथ, किसके साथ हो रहा है? अगर हम लोग अयोग्य हैं तो उन्हें एक टैट मतलब एक पात्रता परीक्षा रखा है कि ये लोग टैट करे हों तब हम इन्हें समायोजन देंगे या हम इन्हें शिक्षक बनाएंगे, खुली भर्ती में देंगे। तो मैं कहना चाहूँगी 1,72,000 में हमारे 35,000 या 40,000 शिक्षा मित्र भाई बहन हैं तो उनके लिए आपने क्या किया है, उनके लिए क्या किया है आपने? वो समायोजन से पहले थे, कुछ करे हुए हैं, कुछ कर चुके हैं या कुछ करने वाले हैं, मैं कहना चाहूँगी उनके लिए क्या करा है आपने? अगर यही टैट एक मानक रखा गया है तो उन 1,72,000 में से 35,000 या 40,000 जो भी शिक्षा मित्र करे हुए हैं उनके लिए क्या किया है? और अगर आप करने गए तो आप क्या करेंगे? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा है, हम लोगों कह दिया है कि 10,000 मिलेंगे और आप 10,000 में पढ़ाइए, स्कूल जाइए और बच्चों का कार्य काम कीजिए। मैडम जब आप शिक्षा मित्र थे, आपकी प्रमोशन सहायक अध्यापक में कर दी तो उस समय इन्होंने क्या योग्यता रखी थी? इन्होंने BTC योग्यता रखी थी, एक ग्रेजुएशन BTC, और ऐसे शिक्षा मित्र कोई नहीं है जो LLB, IMA, BA, MSc कोई भी शिक्षा मित्र करा हुआ नहीं हो। लेकिन ये क्या एक मानक रखा जाता है कि ये इंटर पास है, ऐसा कुछ नहीं है, सब IMA, LLB, IMA, BSc, MSc सब करे हुए एक अच्छी योग्यता रखते हैं और हम टीचर के हाथ में कदम से कदम मिला के सारा कार्य करते हैं। आज हमारे ऊपर स्कूल खुल रहे हैं, आज स्कूलों की कंडीशन ये है कि एक एक टीचर मौजूद है जहाँ 150-200 बच्चे हैं, क्या बन पाए? मिड डे मील बनाए, बच्चों को पढ़ाए या 5-5 क्लास लगाए, क्या लगाए? लेकिन हमारी सरकार कह रही है व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अगर आप स्कूल का आप हर रोज जाके वीडियोग्राफी बना के देखेंगे तो आपको कंडीशन होगी कि 1,72,000 स्कूल निकल के टीचर, तो आज बेसिक की कंडीशन क्या है? अगर यही हाल रहा तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे बेसिक बढ़ेगा, हमारा गरीब का बच्चा पढ़ेगा, मैं नहीं चाहती हूँ और पढ़ेगा भी नहीं अगर यही कंडीशन रही। और वो कहते हैं कि हम रोजगार देते हैं, रोजगार देने की तो बात है, हर आए दिन देखा जाता है कि आज उस पर जाँच बैठा के उसका निरस्त कर दिया, आज उसका निरस्त कर दिया, जो हम पा रहे थे वो भी हम लोगों का छीन लिया गया है। तो ये सरकार किसके हित में है? एक नौजवान के हित में है, एक समाज के हित में है, एक बच्चे के हित में है, किसी की किसके हित में है? मैं नहीं समझती हूँ किसी के हित में है। मोदी जी कहते थे कि सबका साथ सबका विकास और उसके बावजूद आप यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं, तो कैसा विकास है ये? मैं नहीं समझती है किसी तरह का विकास है, ये तो खाली मनगढ़ंत कहानियाँ हैं इनकी, क्योंकि इनके हम लोग एक उसमें रख लिए जाते संकल्प पत्र में कि शिक्षा में हम लोगों का उसमें कोर्ट में चल रहा था तो उन्होंने कहा था हम इनका नियम अनुसार इनका निस्तांतरण करेंगे 3 महीने में। हमें नहीं मालूम था ये किस तरह का निस्तांतरण करेंगे, किस तरह का हमें न्याय देंगे, इस तरह का न्याय देते तो शायद हमें नहीं लगा। एक संकल्प जानते हैं कि संकल्प क्या चीज़ होती है, हर एक व्यक्ति संकल्प जानता है, लेकिन ये संकल्प नहीं है, ये सिर्फ वादा खिलाफ ही है, सिर्फ एक अपनी सत्ता को मतलब हथियाने के लिए कि हम सत्ता कैसे हथियाएं, जनता को हम कैसे झूठ में फंसे, सिर्फ यही बस और कुछ नहीं।